हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी डिस्कस टीचिंग लर्निंग एड. ऑन द प्रीवियस क्लास वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द यूज ऑफ मटेरियल्स या यूज ऑफ एड्स. लेट अस डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट्स द यूज ऑफ मटेरियल्स मेटेरियल्स फास्ट टेक्स्ट बुक्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं पाठ्यपुस्तकें টেক্স বুকচ আৰ বুক কণ্টেনিং ইনফৰমেচন এবাউট এ পৰ্টিকুলাৰ চবজেক্ট অৰ্গানাইজড ইন এ মানৰ কা কালকুলেটেড টু मेट प्रेजेंटिंग द इन्फॉर्मेशन खास तौर पर टेक्स्ट बुक हम लोग यूज़ करते हैं कुछ सब्जेक्ट बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए टेक्स्ट बुक को तो स्टूडेंट को नॉलेज भी मिलता है पढ़ते हुए और इसको टेक्स्ट बुक भी टीचर लोग उसको भी यूज करते हैं क्योंकि किसी सब्जेक्ट ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए पाठ्य का यूज किया जाता है और टेक्स्ट बुक को ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि पार्टली एंड हेल्प करता है स्टूडेंट को टेक्स्ट बुक को, क्योंकि आप कहीं से भी कुछ मेटेरियल सर्च करते हैं या कोई आर्टिकल्स पढ़ते हैं ये पूरा ओवरऑल आपका नॉलेज को बढ़ावा नहीं देता है जब टेक्स्ट बुक पढ़ाया जाते हैं तो वो सब्जेक्ट में उसका कॉन्टेंट नॉलेज ज़्यादा होता है और स्टूडेंट को ऑटोमेटिकल पर ज़्यादा नॉलेज मिलता है उस सब्जेक्ट ऊपर में ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करने के लिए नेक्स्ट होता है वार्कशीट्स जिसको हम लोग को बोल सकते हैं कार्य को या कार्यपत्रिका बोलते हैं तो वर्कशीट और हैंड आउट्स द तो स्टूडेंट्स कंप्लीट टू प्रैक्टिस देयर स्किल्स दे गिव द स्टूडेंट्स ये चांस टू गेट फॉर द रिपीटेशन विदाउट टेकिंग द टीचर्स फुल टाइम अटेंशन। यहाँ पे जो काम पढ़ाया जाता है और उस उस पढ़ाई को पूरा करने के लिए टास्क के तौर पर जब स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है तो वहाँ पर वर्कशीट यूज़ किया जाता है वर्कशीट मतलब ये वन टाइप ऑफ होम असाइनमेंट या होम टैक्स बोला जाता है आपको फ्री समय में उसको आप घर में पढ़ाई करें या उसको उसमें आप एक्सरसाइज करें उसमें मैथमेटिक्स कर सकते हैं आपको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज हो उसमें अगर आप करना चाहते हैं या क्वेश्चन आंसर उसमें लिखना चाहते हैं ये होता है वर्कशीट होता है ये ये आपको जब काम मिल जाता है स्टूडेंट जा, को पत्रिका में काम करने के लिए वर्कशीट करने के लिए वहाँ पर टीचर प्रेजेंट रहे या ना रहे कोई मैटर नहीं करता है लेकिन स्टूडेंट ट्राई करते हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए और ज़्यादा समय उसमें वो लोग स्पेंड करते हैं और ये स्टूडेंट को प्रोग्रेस करता है उसका कितना नॉलेज है वो तो ज्ञान तो प्रोग्रेस होता है उसके साथ साथ तो टीचर को भी वर्कशीट थ्रू वर्कशीट टीचर भी जान पाते हैं जो स्टूडेंट के पास कितना नॉलेज है और कितना वो आत्मसात किया है और कितना नॉलेज मतलब जान चुका है और उसको और क्या नॉलेज और ज्ञान कितना मिलना चाहिए ये होता है वर्कशीट से सिंपल बोला जाता है ये प्रैक्टिकल पेपर है और एक तो होता है प्राइमरी चैनल जिसको हम लोग मुख्य स्रोत बोल सकते हैं प्राइमरी सोर्सेस आर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ए हिस्ट्रिकल इवेंट खास तौर पर बताया जाता है जो प्राइमरी सोर्सेस होता है या चैनल होता है ये हिस्ट्रिकल इवेंट जब होता है उसके बारे में स्टडी करना होता है जैसे आप कहीं फील्ड ट्रिप में जा सकते हैं कोई म्यूजियम जा सकते हैं जो पहले घट चुका है राजा महाराजा का कहानी हो किसी मतलब मोनूमेंट्स के बारे में स्मृति स्मारक के बारे में जानना हो उसके बारे में अगर जानना होता है तो बच्चे लोग को कहीं म्यूज़ियम लिया जाता है और वहाँ पर देखे जाते हैं बहुत सारा राजा महाराजा उनका ऑटोबायोग्राफी उनका रिकॉर्डिंग मोनोस्क्रिप्ट डायरी डॉक्यूमेंट्स आर्टिफैक्ट्स ये सब वहाँ पे अवेलेबल होता है फील्ड ट्रिप करके बच्चों लोग को लिया जाता है जिसको बोलते हैं जो बोलते हैं फील्ड दौरा बोलते हैं आप क्षेत्रीय दौरा भी बोल सकते हैं उसमें स्टूडेंट लोग को लेकर घुमा घुमाया दिया जाता है और वहाँ पर वो लोग घूम के देखते हैं और पुराना चीज़ जो हम लोग को भारत के साथ रिलेटेड हो भारत के बाहर में भी हो उसको उसमें डाटा कलेक्शन करते हैं उसके ऊपर बच्चे लोग का अपना व्यू रखते हैं और उसमें पुराना जो हम लोग का ऐतिहासिकी तौर पर जो हम लोग का स्मारक है स्मृति चिन्ह है उसके बारे में बच्चे डाटा कलेक्शन करते हैं और उसमें नॉलेज भी एक्वेयर करते हैं देन होता है प्रेजेंटेशन टूल्स जिसको हम लोग को बोल सकते हैं प्रस्तुति उपकरण भी बोल सकते हैं ए नंबर ऑफ टूल्स been डिजाइन टू हेल्प द टीचर पुट इंफॉर्मेशन इन ए प्लेस ऑल द स्टूडेंट्स कैन सी इट ड्यूरिंग क्लास ये प्रेजेंटेशन टूल जो होता है यहाँ पर बच्चे लोग को तो यूज़ करते हैं जैसे आ, प्रेजेंटेशन टूल मतलब आप हो या टीचर हो स्टूडेंट हो या टीचर हो अपना जो ज्ञान है उसको उजागर करना है या प्रस्तुतिकरण करना है ये चीज़ हेल्प करता है जैसे चॉक बोर्ड्स व्हाइट बोर्ड्स ओवरहेड प्रोजेक्टर्स बुलेटिन बोर्ड्स फेल्ट बोर्ड्स इन्फोर्स मशीन्स उसके साथ साथ आपका जैसे एनिमेशन इमेज रिसोर्सेस बेस्ट प्रैक्टिसेस स्क्रीन रिकॉर्डिंग अब मा कंप्यूटर में माइक्रो सॉफ्ट पावर पॉइंट भी यूज़ करते हैं ये सब वो प्रेजेंटेशन टूल है आप उसको हेल्प करता है स्टूडेंट या टीचर उसको कैसे अप्लाई करते हैं और यूज करते हैं बच्चों को समझाने में बच्चों को पढ़ाने में तो लास्ट पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया ये साधारणतः न्यूज़पेपर होता है मागरजन होता है टीवी रेडियो ऑडियो विजुअल एड्स होता है ये सब हम लोग को मल्टीमीडिया के तौर पर यूज़ करते हैं ये जैसे ऑफन अमंग द मोस्ट पॉपुलर विथ द स्टूडेंट्स मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस यूज़ वीडियो ऑडियो और बोथ टू प्रेजेंट इन्फ़ार्मेशन मल्टी मीडिया जैसे आप न्यूज़पेपर मैगाज़ीन ये तो बाहर का नॉलेज कलेक्ट करना होता है और यहाँ पे भी अगर क्लासरूम में आपको बच्चे लोग को कुछ प्रेजेंट करना होता है या बच्चों को बताना होता है तो वहाँ पे टेक्स्ट ऑडियो इमेजेस एनिमेशन वीडियो ये सब यूज़ किया ये सब एक एक पार्ट से जो कि स्टूडेंट को समझ में आए इसको यूज़ किया जाता है प्रोजेक्टर यूज़ किया जाता है आप उसको अगर क्लासरूम में जो पढ़ाया है बच्चों के सामने में ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है जो मल्टी यूज होता है आप कंप्यूटर यूज कीजिए और छोटा छोटा जो बोलते हैं स्लाइड्स बनाइए छोटा मूवी बना के या पिक्चर बना के बच्चों लोग को दिखाना होता है तो इसमें एक टॉपिक के ऊपर में बेसिक नॉलेज जानना होता है उसके साथ साथ और ज्यादा नॉलेज उसके साथ रिलेट करके बच्चे लोग जान पाते हैं समझ पाते हैं तो मल्टी इसके साथ साथ तो आप कुछ जैसे बच्चे लोग को ड्रॉइंग कम्पिटिशन होता है तो उन लोगों न्यूज़पेपर में ड्राइंग कंपटीशन देते हैं कुछ ऐसा कंपटीशन होता है क्विज़ कंपटीशन होता है बच्चे लोग दूसरे कॉलेज के साथ कंपटीशन करते हैं ये सारा चीज़ मल्टीमीडिया के साथ हेल्प होता है जैसे पेपर में आउट होता है मैगजीन में प्रिंट आउट किया जाता है या कॉलेज में उसको अपने तौर पर लिख के रिटिन तौर पर उसको स्टोर किया जाता है ये सब बच्चों लोग का क्या होता है जो बोलते हैं उनका जो नॉलेज है और जितना उनका इफोर्ट प्रयास करते हैं ज्ञान ग्रहण करने की लिए ये सब सारा माध्यम है जिनको बहुत जरूरत हैं अधिकम के दौरान शिक्षण सामग्री बच्चे स्टूडेंट लोग को साथ साथ टीचर लोगों को भी बहुत हेल्प करता है जो कि पढ़ाई लिखाई प्रक्रिया को बहुत आसान किया जा सके आज उभर हम लोग को इस मल्टीमीडिया के बारे में और प्रोजेक्टर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के बारे में जो डिस्कशन किए कल प्रयास करेंगे टीचिंग लर्निंग एड और कुछ जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो या स्टेप्स हो या नीड्स हो उसके बारे में लेके डिस्कशन करने के लिए आज के लिए इतना ही थैंक यू